हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSAU के ECA एडमिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि DSAU ने ECA के रिगार्डिंग, अर्थात जिनका भी UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो DSAU का कहना ये था कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले को हम कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो गया था उन लोगों का। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद जो ECA, यहाँ देखो आप DSAU की साइट पर ECA मार्क्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट, तो उन्होंने फाइनली लिस्ट जारी कर दिया है। इसमें जो है नंबर मिले होंगे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक मिले होंगे इसमें नंबर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके नंबर ऐड होगा उनके एडमिशन में। तो आइए देखते हैं अभी क्या है इस वीडियो में। तो चलिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, ECA मार्क्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट। ये देखो डाउनलोड हो गया है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। जैसे डाउनलोड होकर ये ओपन हो जाएगा, इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से। देखिए यार, ओपन हो चुका है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ECA कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम ऑफ DSAU फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। ये देखो डेट जो है आज का, ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, 30/9/2021 को, अर्थात आज ही आया है कुछ टाइम पहले। तो देखो इधर एप्लीकेशन ID है और इधर ECA मार्क्स है। देखो एप्लीकेशन ID में ID दे रखा है और ECA मार्क्स में 24028। देखो यार, सबके मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड हो रखे हैं, ये दे रखे हैं मार्क्स। तो इसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है ECA मार्क्स फॉर UG कैंडिडेट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड फ्रॉम 20 से 25। मतलब है कि 20 से 25 तारीख के बीच में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, और अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का फॉर्म लगा रखे थे उनकी जो है लिस्ट आ रखी है, ठीक है। तो आपका जो भी मार्क्स बनाए, मेरिट बनाए, उसमें जो है ये नंबर ऐड होगा, ठीक है। ECA मार्क्स जो है वो ऐड होगा और उसके बाद से आपको मेरिट एक और निकाली जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही न्यूज है। तो आप लोग अपना एप्लीकेशन ID से हिसाब से अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई किए थे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन ID और ECA मार्क्स दे रखा है, तो आप लोग चेक कर लें साइट पर जाके। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।